अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैं साहब एमन भाई के पास और ये आज हमें विजिट करा रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं क्या विजिट करा रहे हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? सब लोग ठीक हैं? तबीयत ठीक है भाई? हम लोगों ने जैसे आपसे डिस्कस किया था फोर सीजन फार्म हाउस के लिए, तो आज हम आपको उसके अपनी लैंड दिखाएंगे कि हमारी लैंड कहाँ पर है, कितने डिस्टेंस पर है और अभी हमारी लैंड की फर्दर सिचुएशन क्या है। तो अभी हम ये कौन सी जगह पर खड़े हैं और गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली है, अब हम जा रहे हैं लैंड में। और ये आप देख लें, हमने स्टार्ट लिया है गुलशन मेहमान से। ये गुलशन मेहमान का गेट नंबर 3 है, इसके बैक साइड से इसी रोड से आपने सीधा जाना है नॉर्दर्न की तरफ, नॉर्दर्न बाईपास की तरफ, और अब हम सीधा जा रहे हैं। बहुत अच्छी सिचुएशन है अभी मार्केट की, इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत अच्छे क्राइटेरिया है। अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, टोटली फार्म हाउस और कैटल फार्म की लैंड है हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अपनी लास्ट वीडियो में। और हमारे पास इसमें 3 ये सब के प्लॉट्स हैं हमारे पास, में फार्म हाउस है, कैटल फार्म है और कमर्शियल है। और जगह आबाद है 25? जी हाँ बिल्कुल, आसपास पूरी जगह आबाद है और ऑलरेडी वहाँ पे फार्म हाउस और कैटल फार्म बने हुए, लोग हमको ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। अभी आप ज़मीन पे जब पहुँचेंगे तो आपको दिखाएंगे भी, आप देखेंगे, आपको इंशाल्लाह अच्छा भी लगेगा और लोकेशन भी बहुत अच्छी है और उस पर अभी डिमार्केशन का काम भी जारी है। और हमारे पास जो भी प्लॉट्स के रेट हैं वो अभी प्री लॉन्चिंग बुकिंग है, तो ऑटोमेटिकली वो 7 लाख रुपीज़ के रेट है और इसको अभी हम जो है फर्दर रेट को अप करेंगे। अच्छा, लॉन्चिंग तो कितने स्क्वायर यार्ड्स का? 1000 स्क्वायर यार्ड, 7 लाख रुपीज का प्लॉट दे रहे हम भाई फार्म हाउस बनाने के लिए, नहीं है तो इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं आप लोग। इन्वेस्टमेंट मूड बहुत अच्छा होता है इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि हमारी भी प्री लॉन्चिंग बुकिंग जो है 7 लाख रुपीज की और यहाँ पर मार्केट इस वक्त 12 लाख रुपीज की मार्केट है 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की। तो अभी हम जो दे रहे हैं आपको टोटल 7 लाख रुपीज में 1000 स्क्वायर यार्ड फॉर फार्म हाउस। इंशाल्लाह उसकी लॉन्चिंग डेट जब आएगी, लॉन्चिंग के बाद जो है इसके रेट्स बढ़ेंगे, तो जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट भी है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका भी है कि इन्वेस्टमेंट करें। ये कौन सा आ गया? और मैं भाई चेहरा तो दिखा दो हमारा, हम तो काले दिख रहे थे, दोहरे हैं माशाल्लाह पैदाइशी है ना। चले आए लैंड दिखा। ये क्या चीज है अहसान भाई? ये सुमैया हाइट्स है, ये ये बीमार वाला रोड सीधा जा रहे हैं। दूसरों की मार्केटिंग भी करा लो आप हमसे, ये सीधा रोड जा रहा है बीमार वाला, ये 25 वाला पीछे वाला रोड है, ये सीधा हमारी लाइन पे जा रहा है। हमने क्या क्रॉस किया सन में? ये भाई चैपल अप डाउन हमने क्रॉस किया, हमने काम कर दिया है। हमारा तो सीधा सीधा रोड जा रहा है, तो ये लेफ्ट बटन हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। असान भाई कौन सा रोड आ गया? सर ये आ गया मेन नॉर्दर्न बाईपास, हम एमआर के पीछे से आए। अच्छा ये नॉर्दर्न बाईपास आ रहे हैं, हमें टोटल यहाँ तक पहुँचने में 1 मिनट 30 सेकंड्स लगे और हम ये 1.5 मिनट के अंदर नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर आए। ये नॉर्दर्न बाईपास से हम बिल्कुल मेमार वाले रोड से बिल्कुल सीधा आए और ये सामने बिल्कुल इसका कट है और ये हम अपने रोड के ऊपर आ गए हैं। ये गौर विलास वाला रोड है, जो गौर विलास में जा रहा है रोड, ये गौर विलास की ब्रांडिंग की हुई है। लेकिन ये गौर विलास तो बहुत महंगा है सन भाई। गौर विलास में 120 गज का जो प्लॉट है इस वक्त वो 55 लाख रुपीज का है। और इससे थोड़ा सा ही आगे आप 1000 स्क्वायर यार्ड का दे रहे हैं 7 लाख रुपए में, लेकिन लेकिन लोग ले रहे, लोग बोले नहीं भाई गौर विलास में ले लेंगे, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर देंगे, हमारे पास नहीं करेंगे। चल देखते हैं जमीन देंगे, फिर आपको शायद अंदाजा हो जाए कि इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। आइए ये देखें, ये सर भाई ये आ गया है गौर विलास, ये लेफ्ट हैंड पे गौर विलास है। अच्छा ये गौर विलास जी बिल्कुल, ये MDA का सेक्टर है, सेक्टर 63। ये हम मेन नॉर्दर्न बाईपास पर हैं और नॉर्दर्न बाईपास से अब आप अंदर आ चुके हैं और हम सीधा जा रहे हैं अपने फार्म हाउस की तरफ। ये गौर विलास हमने क्रॉस कर दिया है। Thank you.
यहाँ से सारे फार्म हाउस शुरू हो जाएंगे राइट एंड लेफ्ट, तमाम फार्म हाउसेज कैटल फार्म इसी जी नजर आ रहे हैं। अभी आपको आगे मजीद नज़र आएंगे, ये टोटल फार्म हाउसेज बने हुए आगे सारे। ये क्या चीज़ है सामने? ये अलगमपुर का प्रोजेक्ट है, ये इन्होंने बाउंड्री वॉल कर दिया है, बंदे काम भी स्टार्ट हो गया है। अलगमपुर वालों के यहाँ पर अलगमपुर भी आ गए, काफ़ी बिल्डर्स यहाँ पर आ चुके हैं, क्वेश्चन आए हैं और ये ऑलरेडी आबाद कर चुके हैं और लोगों को पोजिशन देख चुके हैं, बाकी आगे ये क्वेश्चन आई है आगे मेरे ख्याल से फार्म हाउस भी बने हुए हैं, लोगों ने बनाए हुए हैं फार्म हाउस, बना ये सारे स्टार्ट हो गए ये फार्म हाउस है, ये सब ऑफिशियल स्पॉट्स हैं। अच्छा, यहाँ पर ये सब फार्म हाउस हैं, ये कैटल फार्म है सारे, ये भी आपको दिखा देते हैं, ये कैटल फार्म चल रहे हैं, ये देखिए पीछे आप सारे ये शेड बने हुए हैं, ये सब कैटल फार्म हैं सारे। ये आगे तक अभी आपको तमाम जगहों पर फार्म हाउसेस और कैटल फार्म ही देखेंगे, ये सब कैटल फार्म हैं। यहाँ पर लोग जो लोग मंडी से जाके गाय लेते हैं या नहीं लेते हैं, और जो कैटल फार्म से लेते हैं, काफ़ी लोग हैं जो आज कैटल फार्म से जाके जो है वो अपनी बकरीद के लिए जानवर परचेज करते हैं, तो यही वो कैटल फार्म्स है जहाँ पर सारा ये बिजनेस डेवलप हो रहा है। ये देखिए आप, ये कैटल फार्म ये भी है, इन्होंने भी लिखा हुआ है 2000 के लिए जानवर लीजिए इनसे, ले लें भाई इससे भी ले लें, आप देख रहे बहुत ज़बरदस्त कि आने वाले वक्तों में यहाँ पूरी है सब सारे ये सब आप और सब अभी आगे देखें, अभी इतना आबाद है तो आगे मज़ीद कितना आबाद होगा, और आज से कुछ अर्सा पहले तक ये सब जंगल हुआ करता था और लोगों ने आबादी की, अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा आगे आबादी होगी उतनी पॉपुलेशन भी डिवाइड होगी, और जितनी पॉपुलेशन डिवाइड होगी ऑटोमेटिकली उतना ही आपको स्पेस मिलेगा। ये सब यहाँ पर जो है बिजनेस जारी है, तमाम स्टेट एजेंट्स यहाँ पर बैठे हुए और टोटली डील कर रहे हैं फार्म हाउसेस में, ये सब फार्म हाउसेस में कैटल फार्म से आपके राइट टू लेफ्ट में यहाँ पर बिजनेस ही है। जी गाइस भाई, अब ये हमने यहाँ से ये होटल आ गया अब्दुल्ला होटल, यहाँ से हमने लेफ्ट ले लिया, ये गुलशन ए खून का बोर्ड लगा हुआ है रोड पे, हमने लेफ्ट ले लिया सीधा बंदा है। ये राइट है, सारे फार्म हाउस बने हुए हैं यहाँ पे, ये सब फार्म हाउसेज हैं ये राइट पे लेफ्ट पे, और अभी यहाँ पर जो है डेवलपमेंट का काम भी स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी, और ये तमाम ये रोड भी अच्छे मेंटेन हो जाएंगे, ये फार्म हाउसेज हैं आपको पता है, यहाँ पे टाइम लगता है रेजिडेंशियल एरिया तो रोड बनाने में टाइम लगता है, इंशाल्लाह जल्दी ये रोड भी बहुत अच्छे डेवलप हो जाएंगे, और हमारे जो अपने फार्म हाउस का जो रोड होगा वो हमारी जमीन पर रहेगा। भाई आ गए जमीन पे अपनी और फार्म हाउस हमारा हो गया स्टार्ट, फार्म हाउस की लैंड फार्म हाउस का मतलब शुरू होंगे, आप लोग आप जैसे लोग भाई आएंगे सारे सारे दोस्त आएंगे हमारे और फार्म हाउस बनाएंगे, तो भी अच्छा लगेगा जब खुद भी एंजॉय करेंगे।
कहाँ से स्टार्ट है हसन भाई जमीन? ये जमीन हमारी जो है यहाँ से स्टार्ट है, ये लेफ्ट साइड से। अच्छा ये स्टार्ट है जमीन, ये लेफ्ट साइड से हमारी जमीन, यहाँ से इस एरिया से हमारी जमीन जो है यहाँ से स्टार्ट है। ये फार्म हाउस बना हुआ है, नीचे दो फार्म हाउस बने हुए थे आपको दिखाया, और अब ये जो लैंड है ये पूरी हमारी लैंड है जिसमें टोटली ट्रैक्टर लग चुका है। ये यहाँ पर काफ़ी सारी झाड़ियाँ थी, ये जंगल था, इसमें छोड़ दिया है, सारे जंगल हमने काट दिए, सारे जंगल हमने क्लियर कर दिए, सफाई कर दी है, सारी झाड़ियाँ कट चुकी हैं और अब ये बड़ा ज़बरदस्त सा रोड बन चुका है। और अब ये सीधा रोड हमारा जो जा रहा है वो जा रहा है लैंड पे, सीधी सीधी जमीन है भाई, ये देख रहे हैं आप पूरे लैंड माशाल्लाह साफ सुथरी लैंड कर दी है। ये हमारे ट्रैक्टर वाले भाई ने, हमने उनको बोला ट्रैक्टर चला दो, उन्होंने ज़बरदस्त करके ट्रैक्टर चला दिया। और ये जो मस्जिद अभी आप देख रहे हैं, ये जो झाड़ियाँ बनी हुई हैं ये भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, ये सब झाड़ियाँ मिट जाएंगी, पीछे हट जाएंगी, सब झाड़ियाँ हट जाएंगी। ये हमारा सामने रूम आ गया है, वहाँ पे हमने एक रूम बनाया हुआ है छोटा सा चौकीदार के लिए, यहाँ पे जल्दी साइड ऑफिस भी तामीर हो जाएगा और ऑफिस के बिल्कुल साथ ही ये मस्जिद की हमने लीड छोड़ी, मस्जिद भी जल्दी तामीर हो जाएगी। ये सारे हमारे दोस्त बैठे थे सामने भाई, ये क्या मस्जिद की जगह बनाई हुई है सामने आपने? ये जो है हमारा एक हमने ये रूम बनाया हुआ है, इसको इंशाल्लाह जल्दी साइड ऑफिस भी करेंगे। ये वहाँ से लैंड शुरू होती है और यहाँ तक ये लैंड हमारी पूरी कंप्लीट है और इंशाल्लाह हम लोग आए और डिमोलिशन भी स्टार्ट होगी जल्दी यहाँ पर आके।